नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश खबरों की। खबर उन्नाव से है, जहां 23 फरवरी को चौथे चरण में मतदान होना है, जिसको लेकर राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। कांग्रेस ने उन्नाव की पुरवा विधानसभा सीट से मशहूर शायर मुनव्वर राणा की बेटी को प्रत्याशी बनाया है। बता दें कि मशहूर शायर मुनव्वर राणा की बेटी उरूसा इमरान राणा ने मशहूर शायर मुनव्वर राणा के बीजेपी सरकार बनने पर पलायन वाले बयान पर जवाब दिया है। मुनव्वर राणा की बेटी ने कहा कि वो मेरे पापा हैं, वो खुद में एक बहुत बड़ी शख्सियत है, उनके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगी। आगे उन्होंने ये भी कहा कि मैं भागने वालों में से नहीं बल्कि लड़ाई लड़ने वालों में से हूँ। देखिए, जीत हार तो किसी की भी हो सकती है, बड़े बड़े नेता हार गए हैं, लेकिन जहाँ तक मेहनत की बात है, मेहनत में मैं कोई कमी नहीं छोड़ूंगी। और रही 165 सदर की बात, हाँ बिल्कुल मैंने मेहनत की, आज यही है कि आज मेहनत मेरी रंग लाई। दीदी ने इस मेहनत को देखा, इसीलिए दीदी ने हमको पुरवा से लड़ाने के लिए मेहनत की। टिकट तक थी क्या जी? केवल टिकट तक थी, मेहनत थी क्या, आप बता दें। टिकट तक कैसे रह सकते हैं, हम तो 13 साल से पार्टी में हैं, मेहनत कर रहे हैं, मुकदमे झेल रहे हैं एक महिला होके, तो ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल हमें सही नहीं लगा। मेहनत मैं कर रही हूँ, करती रहूँगी, और जो भी आदेश होगा प्रियंका जी का या कांग्रेस पार्टी की तरफ से, जो भी मुझे आदेश। फिरोजाबाद में बहुजन समाज पार्टी प्रत्याशी की ओर से लगातार नामांकन की प्रक्रिया जारी है। इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए टूंडला विधानसभा सीट से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी अमर सिंह ने बहुजन समाज पार्टी कार्यकर्ताओं सहित जिला कार्यालय फिरोजाबाद पर नामांकन किया और बताया कि टूंडला विधानसभा से जनता की ओर से पूर्ण बहुमत मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार आती है तो जनता के लिए हित में जो बहुजन समाज पार्टी सरकार पिछले कार्यकाल में करती आई है, उसे आगे आने वाले समय में फिर से शुरू किया जाएगा। एडीएम पद तक गया हूं, मैंने सेवा की है, तो मुझे पता है कि राजनीति में किस तरीके से हम अच्छे काम जनता के बीच जाके करा सकते हैं। जहाँ तक भारी भरकम प्रेमपाल सिंह साहब के मामले में आपने कहा है, ये भारी भरकम कोई कैंडिडेट नहीं होता, ये जनता किसी कैंडिडेट को भारी भरकम या हल्का बनाती है। और आपको पता है कि शासन में जिस तरीके की व्यवस्थाएँ चल रही हैं, चाहे वो किसान को हो, चाहे स्कूल की लेवल पर हो, चाहे शिक्षा के लेवल पर हो, चाहे हमारे क्षेत्र में खारे पानी की समस्या हो, सड़कें टूटी हैं, अभी 2 दिन पहले सड़क बनती है, 4 दिन में सड़क टूट जाती है, इस प्रकार के घटिया जो निर्माण कार्य होते हैं उनमें सब सुधार लाने की और समाज में भाईचारा लाने के लिए मैं इस मैदान में उतरा। उन्नाव में बसपा से देवेंद्र सिंह ने नामांकन कराया। बता दें कि सदर विधानसभा से बसपा प्रत्याशी देवेंद्र सिंह है पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। कहा जा रहा है कि देवेंद्र सिंह किसानों, गरीबों और मजदूरों की मदद करेंगे। नामांकन के बाद देवेंद्र सिंह ने कहा कि जीत के बाद स्वास्थ्य, शिक्षा और शहर में जमकर विकास की बात कही। आप भी सुनिए उन्होंने और क्या कुछ कहा। सबसे पहले तो बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो उन्होंने हम पर विश्वास जता के हमको विधानसभा भेजने का काम किया है। गरीब परेशान है, आप गांव में देहात में जाइए, आवारा पशुओं के क्या हाल है, खेत में कुछ नहीं बच रहा है, किसान नौजवान सब महंगाई से और आवारा पशुओं से परेशान है। तो हम उन गरीबों की मदद करेंगे और उनसे उनके साथ कंधे से कंधा मिला के साथ चलने का काम करेंगे। पहले तो स्वास्थ्य पे ध्यान दिया जाएगा, शिक्षा पे ध्यान दिया जाएगा, और बेरोजगारी, जो महंगाई और बेरोजगारी है, और विकास का कार्य, इस पे हमको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। और यहाँ बहुत बेहाल है, पूरा शहर का हाल आप लोगों से कुछ छिपा नहीं। गाजीपुर में पूर्व मंत्री ओम प्रकाश सिंह 20,000 के निजी मुचलके पर रिहा हुए। बता दें कि वायरल ऑडियो मामले में कई धाराओं में उन पर FIR दर्ज हुआ था। ओम प्रकाश सिंह के ऊपर बीजेपी IT सेल प्रभारी अरुण जायसवाल ने केस दर्ज कराया था। फोन पर धमकी देने के मामले में पुलिस ने एक्शन लेते हुए कार्रवाई की थी। वहीं पूर्व मंत्री समर्थकों संग कोर्ट पहुंचे थे, जहां पर उनको जमानत मिली। विधानसभा क्षेत्र जमानिया के भाजपा के IT सेल के प्रभारी ने मंत्री जी ओम प्रकाश जी के विरुद्ध 504-506 का FIR दर्ज कराया था। उनके विरुद्ध की धमकी दिए हैं, जान से मारने की धमकी और गाली गुलता, शांति भंग किए हैं। हमारा परिवार पूरा प्रताड़ित है। दौरान विवेचना इसमें 171-4
कि विवेचना में सम्यक कसर डालना, 171 ये धारा बढ़ाई गई आईपीसी की और थाना से आख्या प्राप्त हुई। मंत्री जी को आज माननीय न्यायालय सीजीएम गाजीपुर ने कस्टडी में लिया और उनको मुचलका पर जमानत। मथुरा में भारतीय किसान यूनियन टिकैत महानगर के कार्यकर्ताओं ने संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर विरोध प्रदर्शन किया। भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट के लोगों ने वादा खिलाफी के विरोध में विश्वासघात दिवस मनाया। टिकैत कार्यकर्ताओं ने जोरदार नारेबाजी की। इस जिला अध्यक्ष सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। बता दें कि भारतीय किसान यूनियन टिकैत के राष्ट्रीय और प्रदेश नेतृत्व के निर्देश पर ही कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर हंगामा किया। लखीमपुर खीरी में पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर जनपद में अपराध की रोकथाम के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत पुलिस के हाथ सफलता लगी। फर्जी बेनामा कराने के संबंध में वांछित 4 नफर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। बताया गया कि भूस्वामिनी की जगह दूसरी महिला को खड़ा कर धोखाधड़ी कर फर्जी तरीके से जमीन का बेनामा कराया गया था। वहीं अब पकड़े गए 4 शातिर अभियुक्तों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सहारनपुर में भारतीय किसान यूनियन बाबा टिकैत के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन अधिकारियों को सौंपा। किसान नेताओं का कहना है कि किसान आंदोलन के बाद केंद्र सरकार ने किसानों के हित में कृषि कानून बनाने की बात कही थी, जिसके लिए आज तक भी कोई निर्णय केंद्र सरकार की ओर से नहीं लिया गया। इसके साथ ही किसान आंदोलन में शहीद हुए किसानों के लिए आज तक देश के पीएम की ओर से 2 मिनट का मौन धारण तक नहीं किया गया, जो कि बेहद निंदनीय है। पूरे वर्ष में प्रदर्शन है जी, किसान दुखी आज की तारीख में। अरे भैया, सरकार ने वादा किया था 6 दिन आवेंगे, 6 दिन तो आए नहीं है, लेकिन खराब दिन आए। 4 साल में गन्ने का भुगतान नहीं हो रहा, सरकार घोषणा कर दी पूरे गन्ने का भुगतान कर दिया है। हम सरकार से पूछ रहे हैं जहाँ कहाँ रिकॉर्ड हमें दिखा देना, कहाँ कर दिया गन्ना भुगतान। 4 साल अगला साल का 10 दिन आधा हो जाएगा पहले काल गन्ने का, उसका एक पाई पैसा भी नहीं हुआ, खर्चा कहाँ तक था किसान। गन्ने का मूल्य देख लो, 15-17 रुपये प्रति हॉर्स पावर रेट है। उत्तर प्रदेश में 175 रुपये प्रति हॉर्स पावर बिजली का रेट। गन्ने का रेट 5 साल में 25 रुपये बढ़ा, यानी कि 25 पैसे किलो किलो। क्या आपके समाजवादी को सपोर्ट करने जा रहे हैं किसान, क्योंकि देखो समाजवादी पार्टी 300 यूनिट। देखो हम तो यह कह रहे, किसान कोई भी सरकार हो, मुद्दे इस देश में तक खत्म नहीं होते, आंदोलन कभी भी चलते रहेंगे, इस देश में तक खत्म नहीं होते किसी सरकार पे। संभल के असमोली विधानसभा 32 के कांग्रेस प्रत्याशी हाजी मकबूर आलम की लोकप्रियता से प्रभावित होकर ग्राम प्रधान मोहम्मद अली और पाली ग्राम प्रधान नौशाद ने सभी कार्यकर्ताओं के साथ समाजवादी पार्टी छोड़कर कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। कांग्रेस पार्टी हाजी मरगूब आलम नेतृत्व में सभी लोगों को सदस्यता ग्रहण कराई गई। इसी के साथ कांग्रेस की ओर से कई गांवों में डोर टू डोर अभियान भी चलाया गया। डोर टू डोर अभियान के जरिए लोगों से जनसंपर्क करने की कोशिश की जा रही है, साथ ही जनता से कोरोना नियमों का पालन करने की अपील भी की गई। बहुत खुशी का है, बहुत बड़ी लहर है और सब मुझे आशीर्वाद दे रहा बहुत जबरदस्त करके इंशाल्लाह। कितने गांव में आपका दौरा है, कितने गांव में? मैं आज 11-12 गांव का दौरा है मेरा, 4 गांव में निकाल चुका हूँ, बाकी 6 गांव बचे हैं, 6-7 गांव में दौरा कर रहा हूँ। क्या मुद्दे लेकर के आ रहे हैं जनता के? जनता इसी में भलाई चाहती है कि भाई कांग्रेस आनी चाहिए, उत्तर प्रदेश में सरकार बननी चाहिए कांग्रेस की। तो आप जो जनता के बीच में जा रहे हो, क्या मुद्दे जनता, आप क्या शिकायतें मिल रही हैं आपको जनता से? शिकायतें ये मिल रही हैं, एक तो यहाँ विकास है ही नहीं, विकास नाम की चीज़ नहीं है, और जो मौजूदा विधायक हैं वो इस 32 में घूमी नहीं है, ना ही कोई विकास कराया है, जगह जगह कीचड़ हो रही है, जगह जगह।
सिद्धार्थनगर के थाना क्षेत्र त्रिलोकपुर में 5 साल का मासूम बच्चा गायब हुआ था। इस मामले में मासूम बच्चे की मां ने शिकायत दर्ज कराई थी। पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए पुलिस ने कार्रवाई शुरू की और बाद में शातिर अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए खोजबीन भी शुरू कर दी गई। पूरे मामले में पुलिस ने अब खुलासा करते हुए बताया कि पारिवारिक विवाद में हंगामा हुआ था और मासूम की बड़ी मां से पूछताछ की गई तो अपराधी का नाम सामने आया। साथ ही निशानदेही पर पुलिस ने मासूम के शव को बाहर निकलवाया। पुलिस ने मृतक के आरोपी बड़ी मां को गिरफ्तार कर शव को जांच के लिए भेज दिया है। चंदौली में जिला मुख्यालय के इंडियन बैंक में चोरों ने सेंधमारी कर बड़ी घटना को अंजाम दिया है। घटना के बाद बैंक खोलने पहुंचे कर्मचारियों को जब बैंक में चोरी की भनक लगी तो सभी कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। बाद में पुलिस ने जांच टीम मौके पर पहुंची और जानकारी मिली कि आभूषण रखने वाले 39 लॉकरों को तोड़ने की खबर सामने आई है और अनुमान लगाया जा रहा है कि 50 लाख से अधिक के आभूषणों पर चोरों ने हाथ साफ किया है। वहीं पूरी शिकायत के बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि जांच कर मामले को जल्द से जल्द सुलझाया जाएगा। मामला यह है कि सुबह इनको पता था कि बैंक में चोरी हुआ है, ये नहीं पता था कि क्या चोरी हुआ है। लेकिन जब 1 बजे हम लोग खाना खाए आए तो पता चला कि लॉकर ही चोरी हुआ है। लॉकर में सब जितना ताला लगा था वो ताला वाला ही लॉकर चोरी हुआ है। अब अंदर तो हम लोग गए नहीं, क्या है क्या माजरा है अंदर जाकर देखे नहीं है। लॉकर नंबर हम लोग का 26 था, 36 था। क्या अनुमानित से कितने का गहना होगा? 20 से 22 लाख का मिनिमम होगा, उससे ऊपर हो सकता है नीचे नहीं। बैंक में कुछ लॉकर्स उनको काट कर उसमें से कुछ सामान चोरी किए गए। चोरी किए गए सामान और टूटे हुए जो लॉकर हैं उसका आकलन किया जा रहा है। बैंक के वॉल्ट में या किसी भी प्रकार के बैंक के अंदर जो कैश है उसका चोरी नहीं होना पाया गया। प्रथम दृष्टया प्रकरण को दृष्टिगत करते हुए चंदौली कोतवाली में उपयुक्त धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। घटना के तत्काल और त्वरित अनावरण हेतु 3 टीमों का गठन किया गया है। इसके साथ ही सर्विलांस और स्वाट की टीम भी। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।